नागराज राज कॉमिक का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके विष का तोड़ पूरे राज कॉमिक यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। इसके विष की छोटी से छोटी बूंद भी किसी को भी पानी की तरह पिघला सकती है। नागराज का विष उसकी सबसे बेसिक पावर है। उसका विष हमेशा से उसके शरीर में मौजूद था, यहाँ तक कि उसकी जितनी भी पावर है वो उसके विष की वजह से ही है। चाहे वो सम्मोहन हो या अपने शरीर में लाखों करोड़ों सर्प रखना हो या फिर अनलिमिटेड पावर हो या उसका हीलिंग फैक्टर यानी कि उसकी हर पावर बेस्ड है उसके विष पर। अगर विष नहीं तो नागराज एक साधारण मानव बन जाएगा। नागराज को नागराज बनाता है उसका विष। उसकी शुरुआती कॉमिक में ही उसके विष के बारे में बताना शुरू कर दिया गया था, जहां एक विष कन्या उसको धोखे से काट लेती है ताकि नागराज उसके जहर से मर जाए। लेकिन उसको क्या पता था कि नागराज के शरीर में दुनिया का सबसे खतरनाक विष मौजूद है, जिसके संपर्क में आने से सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है। और जब उस विषकन्या ने नागराज को काट लिया तो वो पानी की तरह पिघल गई। ये तो एक आम इंसान थी जिसको विषकन्या बनाया गया। नागराज के विष से तो नागद्वीप वासी भी बहुत ज्यादा डरते हैं, जबकि वो खुद इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि किसी भी इंसान की जान वो आराम से ले सकते हैं। नागद्वीप वासी नागराज के डायरेक्ट विष से कितना डरते हैं, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस जगह से नागराज बचपन में गुजरा था, यानी अपनी सुप्त अवस्था में जिस जगह अटक गया था, उस नदी में और उसके आसपास की वनस्पति यानी पेड़ पौधों ने नागराज के विष को ऑब्जर्व कर लिया था और नागद्वीपवासी उन पौधों को खाकर मर गए थे। नागद्वीपवासी उन पौधों को डायरेक्ट टच भी नहीं करते हैं, बल्कि उन पौधों के फलों को किसी लकड़ी से ही उठाते हैं। इसके अलावा जिस नदी में नागराज अटक गया था, उस नदी का पानी लगभग 40 साल बाद भी इतना ज्यादा जहरीला था कि जानवर उसका पानी पीकर आज भी पिघल जा रहे थे। इसके अलावा जब कोई विलेन नागराज को काफी ज्यादा परेशान कर लेता है या नागराज को लगता है कि उस विलेन को हराना उसको थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो नागराज अपने विष को उसके शरीर में पहुंचा देता है और सारा खेल खत्म। यानी नागराज उस विलेन को काट लेता है, जिससे नागराज के शरीर में बहने वाला इतना ज्यादा खतरनाक विष उस विलेन के शरीर में चला जाता है और विलेन तुरंत पिघल जाता है। नागराज का विष देन है देव कालजी का शाप। दरअसल जब नागराज अपनी माँ के पेट में था, तब उसके चाचा ने नागराज की माँ की पूजा की थाली बदल दी थी और उसमें एक नेवला रख दिया था, जिसे देखकर देवकाल जी गुस्से में आकर अपनी विष फुंकार से अटैक कर देते हैं। लेकिन बाद में राजा के माफी मांगने पर वो सारा विष पेट में पल रहे छोटे से नागराज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह नागराज को अपना विष मिला देवकाल जी की विष फुंकार के कारण। आपको क्या लगता है, नागराज का विष कितना ज्यादा पावरफुल है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब अगर आपको जानना है कि नागराज स्पाइडरमैन की कॉपी है या नहीं, तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। या अगर आपको जानना है कि नागराज और तौसी में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें।